पंजाब में 6000 से ज्यादा इस्तेदाद अंडर मैट्रिक होने का इंकशाफ। हुकूमत पंजाब ने कम तालीमी याफ्ता इस्तेदाद को जबरी रिटायर्ड करने पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब के तमाम ईसीओ से कम तालीमी याफ्ता इस्तेदाद की फहरिस्त तलब। रिटायर्ड ना किया गया तो दर्जा अव्वल और दोम जमात के उस्ताद का दर्जा दिया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन रजा से। हसन, बड़ी तश्वीशनाक सूरत हाल है ये। जी बिल्कुल, ये माजी में तो मामला छुपाया जाता रहा, लेकिन अब जो है सूबाई वजीर तालीम को ब्रीफिंग देगी, जिसमें बताया गया कि पंजाब में 6252 की करीब असातजा ऐसे हैं जो अंडर मैट्रिक के हैं, उनको तैनात किया गया, उनको भर्तियाँ किया गया और अब जो है वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। और उस पर जो सवाल किए गए कि जब ऐसे जो असातजा जो हैं वो तालीम देंगे तो बच्चे कैसे जो है तालीम याफ्ता हो निकलेंगे, इस पर जो है अब महकमा तालीम पंजाब ने जो है इनको जबरी रिटायर करने पर गौर शुरू कर दिया गया है और इनकी जगह नए अफसर जो है असातजा तैनात किए जाएंगे। और उनके साथ साथ जो है इब्तदाई तौर पर पंजाब के तमाम जो है एसईओ जो है उनको कम तालीम याफ्ता के हवाले से मुतलिक जो है फरीक्त तरफ करनी है। 7 रोज में फरीक्तें आ जाएंगी, उसके बाद जो अपनी फैसला किया जाएगा। और पंजाब के तालीमी इदारों में मौजूदा निसाब अंडर मैट्रिक असातजा के लिए मुश्किल है, जिसकी वजह से थोड़ी तौर पर तब्दील किया जाएगा। और महकमा तालीम हुकाम का ये कहना है कि इस हवाले से हमने इकदाम शुरू कर दिए हैं। जबरी रिटायर्ड करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। शुक्रिया हसन रजा आपका।